हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आरशी। आज की वीडियो लेकर आई हूँ जर्मन सिटीजनशिप लॉ के बारे में। कुछ नए चेंजेस आए हैं उसमें और फैमिली रीयूनिफिकेशन के लॉ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो कि प्रेजेंट किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। और ये प्रेजेंट किया गया है 28 अगस्त 2023 में। और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ सकते हैं, जो कि है नंबर 1, अगर आप जर्मनी में रह रहे हो और आपको रहते हुए 5 साल हो गए हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 8 साल तक के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होल्ड करते हो अपने स्टडी में या फिर वर्क में एंड लैंग्वेज में भी, अगर आप बहुत ही अच्छी जर्मन लैंग्वेज जानते हैं टिल C1 में भी एडवांस्ड लेवल, तब भी आप 5 ईयर्स से कम में यानी कि 3 साल में भी आप जर्मन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। सेकेंडली, अगर कोई भी बच्चा बॉर्न होता है जर्मनी में जिसके एक पेरेंट जर्मनी में रह रहे हैं लीगली फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो वो बच्चा जर्मन सिटीजन होगा। नेक्स्ट, इमिग्रेंट्स अगर 67 ईयर्स से अबाव एज के हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज कोर्स का टेस्ट ओरली दे सकते हैं, उनको रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, मल्टीपल सिटीजनशिप्स विल बी अलाउड, यानी कि आप जर्मन सिटीजनशिप होल्ड करते हुए भी किसी और कंट्री के भी सिटीजन रह सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अपडेटेड स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में भी। इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा होता था कि जनरली पेरेंट्स को आप बुलाना चाहते हो जर्मनी में तो वो 3 महीने से ज़्यादा आप उनको यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, आप उनको इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा चेंज आया है कि आप अपने पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स इन लॉ को यहाँ पे जर्मनी में यहाँ पे रख सकते हैं फॉर मोर देन 3 मंथ्स। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि स्किल्ड लेबर जो है, जो यहाँ रह रहा है, वो बहुत ही अच्छी सूटेबल या फिर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होल्ड करना से चाहिए एंड स्टेबल अकोमोडेशन होल्ड करना चाहिए जिससे वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में आजकल गवर्नमेंट बात कर रही है और जल्द ही वो इम्प्लीमेंट भी होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।